हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम यहाँ पे सिंपल नेक डिज़ाइन करना सीखेंगे। देखिए, मैंने वी नेक कट किया है और नीचे एक स्ट्रेट लाइन दी है इसमें। तो हमारे नेक की चौड़ाई है ली है मैंने यहाँ पे 3.5 इंच और लंबाई ली है मैंने 8 इंच। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई और चौड़ाई को कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो पट्टी ली है वो 1 इंच की ली है। देखिए मैंने इसको कैसे कट किया है। हम पेस्टिंग को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और अपनी चौड़ाई का ऊपर निशान लगाएंगे और लंबाई में निशान लगाएंगे, वी शेप देंगे। और नीचे से मैं 1/2 इंच लूँगी क्योंकि ये डबल फोल्ड है। 1/2 इंच कट करने के बाद ये पट्टी हमारी 1 इंच की हो जाएगी। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। ये मैंने कपड़े के ऊपर इसको चिपका लिया है और चिपकाने के बाद मैं अपनी जो ये मेरी पेपर पेस्टिंग है इसके किनारे के ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। सिलाई मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे डोरी वाली पाइपिंग का यूज़ करूँगी। तो जब हम डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारी जो पेस्टिंग है वो कहाँ तक है, इसलिए हम सिलाई का यूज़ करते हैं। ऐसे मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद आप बिल्कुल, ये देखिए मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है और उसके बाद हम डोरी वाली पाइपिंग का यूज़ करेंगे। अगर आपको बनानी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपको डोरी वाली पाइपिंग बनाना बताऊंगी। और अब देखिए, हम इसके किनारे जहां मैंने सिलाई लगाई है, डोरी बिल्कुल सिलाई के ऊपर आनी चाहिए और ऐसे करके हम यहां पे जो हमारी डोरी है हम बिल्कुल उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए। ध्यान रहे, जो हमारी ये वी शेप है हमने वहाँ पे पाइपिंग को हल्का सा कट कर लिया है ताकि वो जो हमारी वी शेप है वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आ जाए। और ऊपर तक मैंने देखिए इसको कंप्लीट कर दिया है। हल्के हल्के कट देंगे हम अपनी पाइपिंग में यहाँ पे ताकि जो गोलाई है हमारी ये वो अच्छे से राउंड शेप में आ जाए और पाइपिंग फिनिशिंग से देखिए ऐसे दिखाई दे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग यहाँ पे आई है और इक्वली पाइपिंग है। ऐसे मैं दूसरी तरफ भी इसको लगा दूंगी। दोनों तरफ मैंने पाइपिंग को लगा दिया है। और उसके बाद हम देखिए अपनी कुर्ती की उल्टी साइड पे अपने नेक को रखेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में हम एक सिलाई लगाएंगे अपने नेक के सेंटर में। नेक के सेंटर में सिलाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अपनी वी शेप के बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। जैसे हम नॉर्मली अपने नेक को बनाते हैं ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम 1/2 इंच का मार्जिन रख के अंदर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। कट करने के बाद हम हल्के हल्के कट देंगे अपने नेक में और इसको सीधी तरफ फोल्ड करेंगे, प्रेस कर लेंगे। मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। उसके बाद गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स बनाए हैं और मैंने दो कलर के यहाँ पे ट्रायंगल्स बनाए हैं और दोनों को हाफ हाफ ऊपर नीचे रख के मैंने ये देखिए एक दूसरे के ऊपर रख के इसको स्टिच कर दिया है। बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब देखिए, जब हम अपने नेक को यहाँ पे जो हमारी पाइपिंग है यहाँ पे अपने नेक को हम स्टिच करेंगे तो ये जो पट्टी है हमारी, हम इसके अंदर देखिए ऐसे ट्रायंगल्स को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ऐसे करके मैं अपने पूरे नेक में इन ट्रायंगल्स को स्टिच कर दूंगी। और ट्रायंगल्स स्टिच करने के बाद जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और गाइस मैंने यहाँ पे अपना सेकंड चैनल भी बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं वहाँ पर फैशन से रिलेटिव नए नए अपडेट्स डालती रहती हूँ। अगर आपको वहाँ पर कोई डिज़ाइन देखने हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो उसका वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और नेक डिज़ाइन कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।